हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द लेक्चर नंबर फोर्थ ऑफ अवर कॉमर्स पेपर वन प्रीवियसली वी हैव कवर्ड अबाउट द टर्म ऑफ बिजनेस वी हैव लर्न अबाउट ट्रेड एड्स टू ट्रेड वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रोल ऑफ बिजनेस तो रोल ऑफ बिजनेस आज हम पढ़ेंगे देखो रोल ऑफ बिजनेस के लिए अगर दूसरा वर्ड देखें तो सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं uh, अगर हम बिजनेस का इम्पॉर्टेंस देखें तो बिजनेस का इम्पोर्टेंस तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नंबर वन टू द बिजनेस फर्म्स नंबर सेकेंड टू द कंज्यूमर्स नंबर थर्ड टू द सोसाइटी तो बिजनेस फर्म्स के लिए बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो एक पॉइंट हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं तो ध्यान से सुनना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे द बिजनेस इज गिविंग इंपॉर्टेंस तो सिग्निफिकेंस टू द बिजनेस फर्म्स दैट मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न नाव वॉट इज द रोल ऑफ बिजनेस टू द बिजनेस फर्म्स नंबर वन इज ऑब्जेक्टिवस नंबर सेकेंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट नंबर थर्ड इज सोशल स्टेटस एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट इज टू कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स में क्वालिटी गुड्स गुड्स प्राइजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिमिलरली टू दोसाइटी को क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा एम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर एंड सोशल ऑर्डर तो सबसे पहली चीज़ अगर बात करें तो बिजनेस जो है बिज़नेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू तो द बिजनेस फॉर्म्स ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स uh, के लिए मार्केटर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी बेनिफिट्स डिवाइव करते हैं बिजनेस से तो वो एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है वो अभी हमें डिस्कस करना है नंबर वन इज़ अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव देखो बिजनेस फॉर्म्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो होंगे वही ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बेस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज स्मार्ट इन नेचर व्हाट यू मीन बाय स्मार्ट इन नेचर एस फॉर स्पेसिफिक एम फॉर मेजरेबल ए फॉर अचीवेबल आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड तो ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्मार्ट इन नेचर देखो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने बेसिस पे डिसाइड करता है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ये सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है सेल्स को बढ़ाना मार्केट शेयर्स को बढ़ाना फिर प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना ऑल दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड विद दी अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस फॉर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे सेकेंड जो पॉइंट है यहां पे मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा है मैंने तीन मेजर पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको और दो तीन पॉइंट्स भी बताता हूं जैसे कि अगर हम देखे बिजनेस फॉर्म्स में और एक एडवांटेज मिल सकता है जो यहाँ पॉइंट लिखा नहीं है मैंने लेकिन मैं आपको स्पेसिफाई करके बताता हूँ कॉर्पोरेट इमेज का कॉर्पोरेट इमेज इज आल्सो कॉल्ड एज गुडविल विल रेपुटेशन मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट अगर अच्छा सर्विस देंगे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलेंगे तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो हमारे कंपनी का जो इमेज है रेपुटेशन है वो मार्केट में बढ़ते जाएगा सो इट विल ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द मार्केट स्टैंडिंग इट विल ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द मार्केट शेयर प्राइसेस इन द इन द मार्केट एंड इट विल लीड टू कॉरपोरेट इमेज टू गुडविल रेपुटेशन मार्केट स्टैंडिंग ये भी बढ़ते जाएगा और उसके वजह से हमारे स्टेक होल्डर्स जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड नंबर थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे तो ये दो तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं लेकिन इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ देखो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिल सकता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल है अभी अगर हम सारे कॉम्पिटिटर्स से कुछ अलग देंगे तो ही हमारे कस्टमर्स हमारे पास आएंगे बिकॉज कस्टमर्स वॉन्ट इनोवेटिवनेस कस्टमर वॉन्ट समथिंग न्यू कस्टमर वॉन्ट्स बेटर क्वालिटी एट लेस प्राइस बिकॉज हम भी कुछ अगर परचेस करने जाते हैं तो हम कम पैसे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं वैसे ही हमारे कस्टमर्स भी है तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलने के लिए हमें एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा एंड वो एक चीज क्या है इनोवेशन अगर हम इनोवेटिव नए नए आइडियाज़ के बेसिस पर अगर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल आपने देखा होगा देखो पहले फैंस नॉर्मल फ़ैन आते थे फ़ैन का मेन एडवांटेज है एयर देना हवा देना लेकिन बेसिकली अगर अभी के फैंस देखें तो एट्रैक्टिव फैंस आने लग गए फ़ैन में एल आने लग गया रिमोट से फ़ैन चालू होने वाला फ़ैन आने लग गया मतलब ये क्या है These all are the additional facilities uh, the company is trying to provide to its customers so that customers will be attracted and they will purchase our product and that will give the organization as competitive advantage in the market. Competitive advantage means मतलब होता है, competitors हैं उससे extra हैं हमारे कंपनी का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एफिशिएंसी ऑफ़ द बिजनेस विल आल्सो इंक्रीज तो एफिशिएंसी भी बढ़ सकता है एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हम हमारे कंपनी का एक्सपांशन कर सकते हैं ये जो नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो ये मैंने आपके बुक्स में अवेलेबल होंगे ये सारे पॉइंट्स लेकिन जो मेजर तीन पॉइंट्स है वो मैंने वहाँ पर आपको नोट डाउन करके यहाँ पर दिए है अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें देखो बिजनेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स

डिमांड करते हैं और उसी तरीके से हम उनको प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहला पॉइंट जो कंज्यूमर्स के लिए है रोल ऑफ द बिजनेस दैट इज नंबर वन दैट इज क्वालिटी गुड्स दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स बिकॉज टूडे वी डोंट हैव द मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट पहले कैसे होता था मोनोपोली सिचुएशन होती थी चाहिए तो भी लो नहीं चाहिए तो भी वही लेना पड़ता था वन सेलर एंड मैनी बायर्स लेकिन अभी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है बहुत सारे अल्टरनेटिवस हमारे पास अवेलेबल हैं एंड अगर हम अच्छा देंगे कम प्राइस में या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे अच्छे कम प्राइस में तो कस्टमर्स हमारे पास से कहीं और जाने जा जाएगा ही नहीं बेसिकली कस्टमर्स वॉन्ट कस्टमर्स वॉन्ट्स शुड बी केप्ट इन माइंड एंड देन प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंगली तो क्वालिटी गुड्स बहुत ज़रूरी है और जो क्वालिटी गुड्स आप मैन्युफैक्चर करोगे ट क्वालिटी गुड शुड बी प्रोवाइडेड एट लेस प्राइस मतलब कम प्राइस में देना है ऐसा नहीं कि एकदम कम प्राइस में देना है लेकिन एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करना है आपको ताकि कस्टमर्स परचेस करते वक्त वो परचेस करते वक्त ये ना सोचे कि ये काफी महंगा प्रोडक्ट है तो अकॉर्डिंगली हमको प्राइजेस के ऊपर भी ध्यान देना है हमें कस्टमर्स को बेटर फैसिलिटीज देनी है हमें कस्टमर को बेटर सर्विसेज देनी है बिकॉज प्रोडक्ट बेचते वक्त आप बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करोगे लेकिन प्रोडक्ट परचेज करने के बाद कस्टमर्स को वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो दैट विल क्रिएट अ बैड इमेज इन द माइंड सेट ऑफ द कस्टमर्स एंड इट विल लीड टू रॉन्ग रॉन्ग मैसेज इन द मार्केट दैट दिस कंपनी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दैट मच सर्विसेज तो दिस पॉइंट यू हैव टू कैप्ट इन माइंड वट एवर यू प्रोमिस यू नीड टू पे दैम यू नीड टू प्रोवाइड दैट टू दी कस्टमर्स टू द टू दी कंज्यूमर्स प्रॉपरली तो गुड प्राइसेज भी बहुत जरूरी है बेटर फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज भी बहुत जरूरी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज कस्टमर्स लाइक्स कस्टमर्स डिसलाइक्स ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते जाएगा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज लोगों का दिन ब दिन इनकम बढ़ रहा है जैसे ही इनकम बढ़ेगा वैसे लोगों का पर कैपिटल इनकम जो इनकम बढ़ता है उसके वजह से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और लोग स्पेंड करेंगे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो थोड़े महंगे भी मिले तो भी लोग परचेस करेंगे बिकॉज एक बार हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपका कस्टमर आपके पास ही आएगा अगर आप उसको अच्छी तरीके से सर्विसेज देते रहोगे तो फिर जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो मैंने आपके साथ बात कर ली तो ये मेजर पॉइंट्स है दीज आर द मेजर पॉइंट्स टू दी कंज्यूमर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है कम प्राइस में देना है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा फिर सोसाइटी देखो हम बिजनेस करते हैं सोसाइटी में यू माइट हैव ऑलरेडी लर्न एक सी एस आर का कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना भी हम कुछ अर्न करने वाले हैं उसका कुछ परसेंटेज हमें हमारे सोसाइटी के अपलिफमेंट के लिए देना है सो वी शुड स्पेंड समथिंग फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी वी शुड प्रोवाइड समथिंग टू द सोसाइटी सो दैट ऑल द पीपल गेट एडवांटेज फ्राम अवर बिजनेस तो आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वी हैव टाटा दो तो टाटा का खुद का कैंसर का हॉस्पिटल है रिलायंस रिलायंस का भी खुद का हॉस्पिटल है uh, उनके एक स्कूल्स है काफ़ी सारी जगह पे वो स्पेंड करते हैं मतलब फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ उनको क्या बोला जाता है दट इज़ कॉल्ड एज फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ फ़िलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हम सोसाइटी के हेल्प के लिए पैसे देंगे सो so, सोसाइटी को हम देखो अगर मैंने मैं कहीं पे जॉब करता हूँ तो मैं वहाँ से जॉब करके पैसे कमाऊँगा अगर लेकिन मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है मुझे तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ तो सोसाइटी के लिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा तो काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिलेगा फिर एक रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है रीजनल डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे कुछ एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके वो एरियाज़ के लोगों को हम जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे रूरल एरिया में है तो ऐसी चीज़ों की वजह से हमारे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोशल वेलफेयर देखो अगर बिजनेस एस्टेब्लिश होगा तो हमारी जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलते जाएगा तो हाउ डू वी प्रोवाइड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू अर्न करने का सोर्स है टैक्स जितना आप टैक्स भरोगे अभी बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा और आप सभी जानते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोला जाता है तो अभी फिलहाल जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है मतलब गवर्नमेंट को दो तरीके से टैक्स मिलता है वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट टैक्स लेकिन गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स फिर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है सोशल ऑर्डर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे भी आप ले सकते हैं सोशल ऑर्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा अभी आपने अगर 10-15 साल पीछे का सिनेरियो देखा होगा तो 10-15 साल पीछे कैसी सिचुएशंस थी अभी 10-15 साल आगे देखो तो कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है कैसे नए नए टेक्नोलॉजीज इंडिया में आए हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस देर आर लॉट्स ऑन लॉट्स ऑफ बिग कंपनीज जैसे एल एंड टी है लार्सन एंड उर्बो बेसिकली वहाँ पर अगर देखा जाए तो दे आर मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं जैसे मेट्रो अभी आया है तो मेट्रो का भी उन्होंने ही काम लिया है सो बेसिक पॉइंट यही है कि सोसाइटी को भी हमें हेल्प करना जरूरी है और बिजनेस की वजह से सोसाइटी में भी हेल्प हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे लोगों का इनकम बढ़ेगा रीजनल डेवलपमेंट होगा रेवेन्यू so गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इसके वजह से हमारे सोसाइटी जो है सोसाइटी को अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं ठीक है तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ट्रेड और एड्स टू ट्रेड तो टू द बिजनेस फॉर्म्स मैंने यहाँ पे पॉइंट डाले हैं जो मैंने आपको बताया वही थोड़े से एक बार क्योंकि स्क्रीन पे दिखना चाहिए इतना सारी चीज़ें एक्सप्लेन की देखो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट इमेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस मैंने ऑलरेडी ये पांच पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि बिजनेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स बढ़ेंगे कंपनी का इमेज गुडविल रेपुटेशन बढ़ते जाएगा हमारे कस्टमर्स हमारे कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड होंगे और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं कॉम्पिटिटर्स से हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले पाएंगे और उसके वजह से हमारे कंपनी की प्रोडक्टिविटी एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशियंसी ऑफ द बिजनेस विल ऑल्सो भी इंक्रीज ठीक है तो यही पॉइंट हमने पढ़े थे टू द कंज्यूमर्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को मिलेंगे uh, फिर गुड्स जो मिलेंगे वो कम प्राइस में मिलेंगे अच्छे फैसिलिटीज़ मिलेंगे बेटर फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा कस्टमर्स विल बी हाईली सैटिस्फाइड दे विल प्रमोट अवर पॉइंट बिकॉज आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट करो आई ऑलवेज से दैट सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कौन सा है माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी आप अगर बड़े बैनर लगाओगे आप अगर पैम्पलेट बांटोगे लेकिन आपका कस्टमर ही आपसे सेटिसफाइड नहीं होगा तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं है इसलिए कस्टमर्स सेटिस्फाई करना आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कंज्यूमर्स के लिए भी ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द बिजनेस देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ऑल्सो राइज तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ते जाएगा उसके वजह से कंपनी या बिजनेस जो है वो और एक्सपांड हो पाएगा फिर हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा इकोनॉमिक तो ग्रोथ होगा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा लोगों का इनकम बढ़ेगा परचेसिंग पावर बढ़ेगा लोग स्पेंड करेंगे जितना स्पेंड करेंगे उतना बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा जितना सेल होगा उतना बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस और एक्सपांड हो पाएगा और अच्छी तरीके से मार्केट में काम कर पाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे रीजनल डेवलपमेंट होगा एक रीजन का डेवलपमेंट होगा जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेसिस पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई है एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो गेट रेवेन्यू बिकॉज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो मैंने आपको अभी बताया दैट इज टैक्स तो टैक्सेज गवर्नमेंट को दो टाइप से मिलते हैं वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कल्ड एज इनकम टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी पड़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेस तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ सकता है बिकॉज जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे वैसे आप तो जानते ही है कि हम हमेशा स्कूल ड्रेस से सुनते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर बट बेसिकली अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका इनकम सोर्स बढ़ते जाएगा तो दे विल मूव टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल फैक्टर और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उनकी जो लेवल है इनकम की लेवल है वो बढ़ती जाएगी और जैसे इनकम की लेवल बढ़े, बढ़ेगी वैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ते जाएगा बिकॉज यू आर अवेयर दैट इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड कोई भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता एक लाख कमाने वाला सोचता है दीढ़ लाख कब कमाओ वन लाख फिफ्टी वाला सोचता है दो लाख कैसे मिलेगा टेन थाउजेंड वाला सोचता है ट्वेंटी थाउजेंड कैसे मिलेगा तो बेसिकली एवरी वन वॉन्ट्स टू इंक्रीज देयर इनकम एंड दैट इज वाई इफ दे ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम दे नीड टू स्विच द जॉब एंड अकॉर्डिंगली दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इफ अवर बिजनेस इज एक्सपांडिंग देन वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दैट विल बी अ मेजर रीजन फॉर राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल तो दीज आर ऑल द पॉइंट थैंक यू वेरी मच आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे दैट इज रिय रोल ऑफ द बिजनेस तो रोल ऑफ द बिजनेस में हमने तीन चीजें पढ़ी है दैट इज रोल या सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द बिजनेस फॉर्म्स एंड सिग्निफिकेंस द कंज्यूमर्स एंड सिग्निफिकेंस टू दैंक यू वेरी मच तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगले बार नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगा सिर्फ वीडियो देखे नहीं और अगर आपको ये सब समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना थैंक यू वेरी मच बाय बाय ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए कंसेप्ट के